जय हिंद दोस्तों, मैं आपका संतोष मिश्रा आप ही के अपने YouTube चैनल संतोष माय सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुलक निकालना, मोड निकालना सीखेंगे कि कैसे निकालेंगे। तो देखिएगा, क्लास टेंथ है, NCERT का प्रश्नावली 14.2 है। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में दिया हुआ है की सूचना देते हैं और इन उपकरणों का जो है बहुलक जीवन काल ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो सबसे पहले कुछ नहीं कीजिएगा, जीवन काल को वर्ग अंतराल बना लीजिएगा। वर्ग अंतराल लिखेंगे हम लोग दोस्तों, वर्ग अंतराल, और बारंबारता वाले खंड को बारंबारता लिखेंगे, बारंबारता, और इसका एक खड़ा सा टेबल बना लेंगे। इसको हम लोग खड़ा करके लिखेंगे, अब वर्ग अंतराल में लिखेंगे 0 से 20 है तो 0 से 20 लिखेंगे यहाँ, उसके बाद 20 से 40 है तो 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 है, 80 से 100 और 100 से 120 है। इसका टेबल बना लेंगे दोस्तों, और बारंबारता को जो है बारंबारता को बारंबारता वाले खंड में लिखेंगे। 10 दिया हुआ है, उसके बाद 35 है, 52 है, 61 है, 38 है और 29 है। बहुलक निकालने के लिए पहले बहुलक का सूत्र जानना पड़ेगा। बहुलक का सूत्र जो होता है L+F1-F0/2F1-F0-F2 और गुना H होता है। अब इसमें हम लोगों को समझना है कि L जो है वो क्या है, बहुलक का यह सूत्र है। बहुलक बराबर होता है दोस्तों L+F1-F0/2F1-F0-F2 और इनटू में होता है H। तो यह जानना जरूरी है कि L किसे बोलते हैं, F1 क्या है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है और H किसे कहते हैं। तो सबसे पहले ये जानिएगा कि दिए गए बारंबारता में, अगर बारंबारता दिया है तो ये ध्यान दीजिएगा कि क्या दिया हुआ है। एक जो होता है ना, आपको जांचने के लिए ना क्या करेगा, प्रश्न में इसको हटा देगा, बारंबारता को हटा देगा, इसके जगह पे संचयी बारंबारता दे देगा। जब तक बारंबारता नहीं निकालेगा, नहीं देगा, खंड नहीं बनेगा, तब तक आप लोग बहुलक नहीं निकाल सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जरूरी है कि देखना है कि ये बारंबारता है कि संचयी बारंबारता है। कैसे पता लगेगा, जैसे दिया हुआ है कि 225 बिजली उपकरणों के, तो संचयी बारंबारता देगा तो लास्ट वाला अंक जो होगा ना यहाँ वाला, वो 225 ऐसे दे देगा, यहाँ लास्ट में दे देगा 225। तो इससे पता लग जाएगा कि ये क्या है, संचयी बारंबारता है। तो संचयी बारंबारता के खंड को रखेंगे, उसके बगल में बारंबारता वाले खंड को हम बना लेंगे, चाहे आप इधर भी बना सकते हैं। बनाएंगे कैसे, तो 225 है, इस 225 में क्या करेंगे आप लोग, घटा घटा कर लिखते जाएंगे। 225 में से इसके पीछे वाले अंक को घटाएंगे, इधर लिखेंगे, फिर इसमें से इसको घटाएंगे, इसके सामने लिखेंगे, इसको इसमें से घटाएंगे, इसके सामने लिखेंगे, इसको इसमें से घटा के इसके सामने लिखेंगे, इसको इसमें से घटा के इसके सामने, और ये वाला लास्ट वाला जो रहेगा वो शुरू वाला शुरू में ही लिख दिया जाएगा, बारंबारता का टेबल पूरा हो जाएगा। मतलब संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं, तो इसको जोड़ के बनाते हैं, 10 का 10 लिखते हैं। हालांकि संचयी बारंबारता बनाना नहीं है बहुलक में, लेकिन कभी कभी क्या करता है, ये बारंबारता न देकर संचयी बारंबारता देगा बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। तो क्या करना है दोस्तों, ये देखना है कि ये बारंबारता है या नहीं। बारंबारता होगा तो घटते बढ़ते क्रम में होगा, और संचयी बारंबारता होगा तो बढ़ते क्रम में ही होगा, और लास्ट में जितना दिया रहेगा, जैसे 225 बिजली उपकरणों के दिया हुआ है प्रेक्षित जीवन काल, तो इसको यहाँ 225 देगा इसमें। तो इसका मतलब हो गया कि ये 225 लास्ट में दे रहा है, जो इन सभी का योग जो होगा वो 225 होगा, और इसी चीज़ को अगर इस किसी टेबल में 225 कर दे तो समझिएगा संचयी बारंबारता है। तो क्या करना है, उसको हम लोग बारी बारी से घटा घटा कर उसके सामने लिखते जाएंगे और बारंबारता तैयार कर लेंगे अपना। संचयी बारंबारता ऐसे बनता है, 10 का 10 लिख दिए, 10 में 35 जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 45, ऐसे हो जाता है, 45 में 52 जोड़िए ऐसे ही बनता जाता है। तो ये संचयी बारंबारता है, हमको संचयी बारंबारता की जरूरत नहीं है, केवल बारंबारता की ही जरूरत है। इस प्रश्न में जो है बारंबारता दिया हुआ है, अगर प्रश्न में बारंबारता न दे तो संचयी बारंबारता दे, तो संचयी बारंबारता से हम लोग बारंबारता बैक से क्या करते हैं, घटा घटा कर लिखते जाएंगे और सामने लिखेंगे। जैसे यहाँ 29 हो और यहाँ कम देगा 20 देगा, तो 29 में से 20 घटाइएगा, 29 के सामने इधर लिखिएगा, बारंबारता का एक टेबल बन जाएगा अगर संचयी बारंबारता देगा तो। समझ गए होंगे लोग, सबसे पहले जानते हैं
बहुलक निकालने के लिए अगर वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दिया हो तो कुछ नहीं, कोई टेबल नहीं बनाना है अपने मन से, वहीं उसी दो चीज़ों को क्या करना है, खड़ा लिख दीजिए। और इसमें सबसे बड़ी बारंबारता जो है खोजिए कि सबसे बड़ी बारंबारता कौन है, तो सबसे बड़ी बारंबारता 61 है आपका, और यही जो होगा आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो लिखिएगा, चूँकि सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता 61 है, इसलिए जो होगा बहुलक वर्ग जो होगा, बहुलक वर्ग जो होगा इसी के सामने वाला वर्ग अंतराल लीजिएगा 60-80, बहुलक वर्ग 60-80 होगा, बहुलक वर्ग क्या होगा 60-80 होगा। अब इसमें जानना है कि L कहाँ होता है, तो देखिए बहुलक वर्ग का जो निम्न सीमा होता है, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, वहीं L होता है। हम लोग को क्या क्या चाहिए, L चाहिए, F1 चाहिए, F0 चाहिए, और F2 चाहिए, और H चाहिए। तो लिखिएगा, इसलिए L बराबर लिख दीजिएगा, L बराबर हो जाएगा आपका 60। F1 जो होता है इसी को बोलते हैं F1, इसी के सामने वाले बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता जो होती है F1 कहलाती है, इसके पीछे वाला F0 कहलाती है, और इसके आगे वाला F1 के आगे F2 होता है, यहाँ F2 हो जाएगा आपका। तो लिखिएगा F1 बराबर 61, F0 बराबर 52, और F2 बराबर लिखिएगा दोस्तों 38, और H जो होता है ये वर्गमाप होती है, वर्गमाप का मतलब वर्ग अंतराल की जो सीमा होती है, अंतराल होता है जो उनका, जैसे 60 से 80 हुआ है तो कितना का अंतराल से बड़ा है, तो 60 और 20 80 हुआ है तो H बराबर 20 हो जाएगा। इसका अंतर जो होता है वर्ग अंतराल का अंतर, वर्गमाप इसको बोलते हैं, तो इसको आप कितना लिख लीजिएगा 20 लिख लीजिएगा। अब चलिए बहुलक निकालते हैं, अब लिखिएगा इसलिए बहुलक बराबर, बहुलक का सूत्र लिखिएगा और मान को रखिएगा और हल कर लीजिएगा, बहुलक निकल जाएगा। बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना में H हो जाता है दोस्तों। तो चलिए L का मान कितना है 60 है, प्लस दे दीजिएगा, कोष्ट डालिएगा, F1 बराबर 61 है तो 61 माइनस F0 बराबर है 52 तो 52 बटा 2F1 यानी 2 × 61 माइनस F0 यानी 52 और माइनस F2, F2 कितना 38 यहाँ कर लीजिएगा, और गुना वर्ग माप देना है, H देना है तो H कितना है 20, तो यहाँ 20 दे दीजिएगा। इसके बाद चलिएगा दोस्तों इसका काम कीजिएगा, 60 प्लस है तो आप बराबर दे दीजिएगा, इसके बाद आइएगा इधर, इसके बाद 60 प्लस 61 में से 52 घटाना है दोस्तों, कितना होगा 9 × 2 = 11 होता है, 61 में से 52 घटा तो 9 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा आपका, और 61 दूना कीजिएगा 122 हो जाएगा, 122 लिखिएगा, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो 38 और 52 जो है जोड़ लीजिएगा 90 हो जाएगा, यहाँ माइनस 90 लिख लीजिएगा, माइनस माइनस प्लस, 38 और 52 को जोड़ लेंगे दोस्तों, चिन्ह बड़ा है माइनस का, दोनों में माइनस है तो एक तो लगेगा ही माइनस, तो माइनस लिख दिए, इसको ऐसे घेरे रहिएगा और गुना 20 लिख लीजिएगा, बराबर हो जाएगा 60 प्लस 9 बटा, अब 120 में से 90 घटाना है तो कितना बचेगा दोस्तों 32 बचेगा, यहाँ 32 लिख दीजिएगा और गुना यहाँ 20 दे दीजिएगा, बराबर हो जाएगा 60 प्लस, अब 20 में 9 से गुना कीजिएगा, 20 नवा ऊपर, इसके नीचे 1 है छुपा हुआ रहता है, तो 20 नवा 180 हो जाएगा और 32 से कम 32 हो जाएगा नीचे, इसको क्या कीजिएगा कटा दीजिएगा, 180 में 32 से भाग दे दीजिएगा, 180 में 32 से भाग दीजिएगा, कितना मर्त में कटेगा 6 मर्त में कटेगा तो 36 18 6 × 12 ज़्यादा हो जाएगा तो 5 मर्त में कटा दीजिए, 5 × 10 5 × 3 = 15 116 हो जाएगा, बचेगा कितना 20 बचेगा दोस्तों, दशमलव डालिएगा 0 हो जाएगा, अब कितना मर्त में कटेगा 6 मर्त में कटाइए 6 मर्त में 6 × 12 = 2 36 18 1 19 192 होगा, कितना बचेगा 10 में से 2 जाएगा 8 9 में से 9 गया 0 और 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा, 8 बचा दशमलव ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, 32 तिया कीजिएगा तो कितना आ जाएगा ज़्यादा हो जाएगा 96 हो जाएगा, 32 तिया 96 तो 32 दूना ही दीजिए 2 मर्त में 2 × 2 = 4 और 3 × 2 = 6 64 हो जाएगा, घटा लीजिए 10 में से 4 गया 6 7 में से 6 गया 1 16 दशमलव है ऑटोमेटिक 0 पड़ेगा, अब दे दीजिए 5 मर्त में कटाइए
पाँच दूनी दस, पाँच या पंद्रह एक सोलह, कट गया आपका पूरा, विभाजित हो गया तो कितना आ गया 5.625। तो 180 को 32 से भाग दीजिएगा 5.625। अब इसको क्या कीजिएगा, इसमें जोड़ लीजिएगा 60 प्लस 5.625, और जोड़ के जितना आएगा 60 में 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 65.625। यही जो होगा आपका आंसर होगा, यही जो होगा बहुलक जीवन काल होगा 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल का। आशा करते हैं दोस्तों मेरा बनाया हुआ वीडियो जो होगा आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक शेयर कीजिए। प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए, आपके शेयर करने से जो है हौसला जो होता है आगे बढ़ता है, आगे वीडियो और बनाने का अच्छा अच्छा मन करता है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।